छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा था। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने आई थी, झंडा लेकर केंद्र सरकार से अच्छे दिन आएंगे कहती थी, लोगों के हर एक खाते में 15 लाख रुपये आएंगे, अच्छे दिन आएंगे के वादे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इन वादों का क्या हुआ, जनता जानना चाहती है। मोदी सरकार के 8 सालों के काम को बताने के लिए राज्य में 2-2 केंद्रीय मंत्री आज उपस्थित थे। स्मृति ईरानी आई थी, जो मोदी सरकार के आने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के समय बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार नारों की झंडा बढ़ रहा थी, जो स्मृति ईरानी बार बार यह बोलती थी कि अच्छे दिन आएंगे, वो स्मृति ईरानी भी यहाँ पे थी, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रही थी, लेकिन उनमें साहस नहीं था जनता को यह बताने के लिए कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था हर एक के खाते में 15 लाख लाने का, अच्छे दिन लाने का, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, किसानों की आय दोगुनी करने का, उन सब वादों पर मोदी सरकार क्या आज भी कायम है? 8 साल हो गया, इन वादों का क्या हुआ? कब आएंगे अच्छे दिन? महंगाई से जनता बेहाल है, परेशान है। स्मृति ईरानी जी महंगाई एक शब्द भी बोलने से क्यों डर रही थी, जनता यह जानना चाहती है।